रोटी खोल दी शफीक अहमद, देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस दो टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार हुमायूं सईद के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सुपरस्टार हुमायूं सईद के बारे में बताएंगे। हुमायूं सईद पाकिस्तानी इंडस्ट्री के ना सिर्फ हैंडसम एक्टर हैं बल्कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भी हैं। सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट के को फाउंडर भी हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तानी हाईएस्ट पेड एक्टर भी हैं। उन्होंने बहुत कम वक्त में यंग जनरेशन में अपना एक नाम बनाया है। आम तौर पर इनके फैन ये भी कहते हैं कि एक मूवी या ड्रामा इनकम्प्लीट है जिसमें हुमायूं सईद ना हो। हुमायूं को शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। उन्होंने अपने करियर का आगाज 1995 में किया। ये 27 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। उनकी उम्र 51 साल है। हुमायूं को 10 लक्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। हुमायूं को अल्लाह ताला ने जहां इतनी शोहरत इज्जत दी है, वहां औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा है। हुमायूं सईद की पहली मोहब्बत समीना नहीं थी, जिसका इकरार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था। कहा जाता है आयशा खान उनकी पहली पसंद थी। ड्रामा से शोहरत पाने के बाद नाइनटीन नाइनटी नाइन में हुमायूं सईद ने फिल्म इंतहा में अदाकारी की, जिस पे इन्हें बेहतरीन अदाकार अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें उनकी को स्टार मीरा और रेशम थी। हुमायूं के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ड्रामों में चांदनी रातें, मेहंदी, रियासत, मेरी सास जराए बेनिशान, उड़ान, दम, तुम हो कि चुप, काफिर, दिल लगी, नियत, बिन रोए, उमर दादी और घर वाले, इश्क जुनून, दीवानगी शामिल हैं। इसके अलावा हुमायूं सईद ने बॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम जश्न था में भी काम किया था। इसके अलावा हुमायूं सईद बहुत सी पाकिस्तानी फिल्म में भी काम कर चुके हैं, जिनमें इंतहा जो 1999 में रिलीज़ हुई थी, नो पैसा नो प्रॉब्लम, मैं एक दिन लौट के आऊँगा, खुले आसमान के नीचे, जश्न, मैं हूँ शायद अफरीदी, बिन रोए, जवानी फिर नहीं आने, एक्टर इन लव, इनके सुपर हिट